क्या था? आप पढ़ते हो। क्या कहा था मैंने? आप पढ़ते हो। इसमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये जो यू होता है ना मैम, आपने कहा था यू इंग्लिश में हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब यू प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पढ़ना क्या हो गया? स्टडी। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू स्टडी, आप पढ़ते हो। क्योंकि यू इंग्लिश में हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल का मतलब फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि जब भी सेंटेंस सिंपल होगा फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी, प्लूरल सेंस में फर्स्ट और सिंगुलर सेंस में फिफ्थ। अब क्योंकि यू प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहां क्या कह रहा है? हम पढ़ते हैं, हम भी तो प्लूरल ही माना गया है, तो वी स्टडी। पढ़ने का मतलब रीड भी होता है वैसे, पर वो न्यूज़पेपर या बुक लिखा हो तो ही करना होता है। पढ़ाई वाला जो पढ़ना होता है वो स्टडी होता है, ठीक है। वह पढ़ता है, ही स्टडीज। अब स्टडीज क्यों किया मैम आपने? वी फाइव लगा रही हूं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है। मैं पढ़ती हूं, आई तो मेन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, कल की क्लास में सिखाया था, तो आई स्टडी। आई और यू एक्सेप्शन थे, याद है आपको? आई के साथ कहा था मेन वर्ब हमेशा प्लूरल। और क्योंकि ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव हैं तो डू डज नहीं आ सकता, इनमें फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में ही काम चलाना होगा। वे पढ़ते हैं, अब ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे स्टडी। समझ पाए हम बात को? जहां सब्जेक्ट सिंगुलर दिखेगा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम वहां पे क्या लगा देंगे? फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से। आई अपने मेन वर्ब को हमेशा ही प्लूरल लेता है। तो इस तरीके से हम इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे।